अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल्स व्यूवर्स। तो इस तरह से आज हम कुछ इस तरह से डबल क्रोशे की ये डिज़ाइन बनाएंगे, और पिछली बार मैंने इसी तरह से ये सिंगल क्रोशे में आपको डिज़ाइन बताई थी, और आज हमें इस तरह से ये डिज़ाइन, इस तरह से ये वाली डिज़ाइन हमें डबल क्रोशे से बनानी है। सो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। इस तरह से ऊन लेना है हमें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इस तरह से हमें सर्कल बनाकर इस हुक को इस सर्कल में इंसर्ट करके एक हमारी जो चेन होती है, बेसिक चेन हमें पहले वो बनानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और थोड़ा सा नॉर्मल साइज से टाइट करना है, ज़्यादा फिट नहीं करना है। और इस तरह से हमें बनाते रहना है, एक बेसिक से एक चेन बनानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, इसी तरह से हमें जो ज़रूरत, जितनी की ज़रूरत है हम उस तरह से बड़ी चेन बना सकते हैं। जिस तरह से हमें वो चीज़ चाहिए, हम किसी भी चीज़ में इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। हर किसी में ब्लैंकेट्स, बच्चों के, और जो चाहिए आपको, जो बनाना है इस ऊन से, तो ये डिज़ाइन की आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से क्रोशा में हमें ऊन लेकर एक डबल क्रोशे बनानी है। सॉरी फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया था, मैं जो बुनने में मैं इतनी मगन हो जाती हूँ कि मुझे कैमरा की वो नहीं होती है कि वो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, ऐसे इस तरह से हमें हुक में ऊन लेना है, फिर बाजू वाले होल में डालकर और दो निकाल कर, और फिर बाद में और दो निकालना है क्रोशे में से, और फिर से लूप लेना बना लेकर इस तरह से हुक से साइड से इंसर्ट करना है और निकालना है। इस तरह से देखिए ऐसा ऊन लेना है हमें हुक में, और बाजू वाली चेन में डालकर उसे खींच लेना है बाहर, और दो निकाल कर, फिर दो हमारे पास बच गई, फिर दो और निकाल देना है। ये इस तरह से कुछ, फिर रिटर्न हमें सेम टू सेम यही पैटर्न यूज़ करना है। देखिए इस तरह से, कोई मुश्किल नहीं है, सेम इसी तरह से मैंने ये, अब मैं डबल क्रोशे से डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ, और मैंने इससे पहले की वीडियो में इसी तरह से सिंगल क्रोशे में डिज़ाइन बनाई थी। देखिए इस तरह से ये सी कुछ डिज़ाइन तैयार हुई बनकर। देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना ठीक ठाक अच्छी सी। देखिए और देख लीजिए फ्रेंड्स कितनी ब्यूटीफुल सी नज़र आती है डिज़ाइन, और बनाना इससे कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इस तरह से हमें डालना है बाजू वाली चेन में, इस तरह से दो निकाल कर, और फिर दो भी चले गए। ये इस तरह से, ये ऐसे निकाल कर दो छोड़ना है, फिर बाद में और दो छोड़ देना है क्रोशे से। इस तरह से लास्ट वाली स्टिच भी हमें इसी तरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरी एक रो कंप्लीट हो गई बनाना। देखिए सिंपल सी है, बट देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी नज़र आती है। हम हर चीज़ में इस डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट रो के लिए हमें, हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, तो हमें इस तरह से एक कैंची की मदद से इसे काट देना है, और ये जो पहला जो हमारा ऊन है उसे आराम से बाहर निकाल कर इसको थोड़ा सा फिटिंग करके उंगलियों की मदद से इसे पकड़ना है। और फिर नेक्स्ट कलर हमें हमारी पसंद से जो चाहिए वो कलर हम यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप अगर एक कलर यूज़ करना है तो एक कलर, और नेक्स्ट तो नेक्स्ट। उसी तरह से हमें जहाँ पर से हमने क्रोशिया पहले निकाला था उसी में डालकर, और नेक्स्ट ऊन को हमें इस्तेमाल करना है, और फिर इस तरह से एक चेन बनाकर टर्न करना है। देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने पहली डिज़ाइन ऐसी बनाई थी, अब इसे टर्न करना है। देखिए इस तरह से, और ये जो एक्सेस धागे हैं उनके, उन्हें साइड में रखना है, और फिर हमें कंटिन्यू करना है हमारी
वही डबल क्रोशे वाली डिज़ाइन। देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर निकाल कर फिर हमारा सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये दो बचे मेरे क्रोशे में, अभी मैं इसे भी बाहर निकाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अब चेन हमारे पास मिल गई है हमें चेन, अभी हम एक एक चेन उठाकर उसमें हम बना सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैं बनाने में इतनी मशगूल हो जाती हूँ ना मगन कि मुझे कैमरे का भी ध्यान नहीं रहता है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ऐसे मैं सिर्फ डबल क्रोशे से ही बना रही हूँ, जैसे मैंने आपको वाइट वाले ऊन में बताया था। नेक्स्ट वाली होल में हमें डालना है इसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्रोशे में ऊन लेना है, नेक्स्ट वाले होल में डालना है, फिर घुमाकर एक लेना है, फिर दो छोड़कर दो छोड़ना है। देखिए ये सब पैटर्न हमारा बन रहा है ब्यूटीफुल सा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें जितना बड़ा बनाना है, जितना लंबा बनाना है, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हर चीज़ में इस डिज़ाइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा हैंड पर्स होता है, या साइड पर्स होता है, मनी पाउच होता है, या हम लोग नमाज के लिए टोपी बनाते हैं, या विंटर कैप बनाते हैं, एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आप किसी में भी इस डिज़ाइन को यूज़ करें और वो ब्यूटीफुल सी नज़र आएंगी और अच्छी सी लगेगी, और हमें खुद प्राउड होंगे अपने आप पर कि हमने ये क्या बना लिया है, वाओ। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये रो भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें चेन के नीचे से इंसर्ट करना है हुक को हमारे, और इसे दो छोड़ देना है, फिर हमें और घुमाकर वापस से दो छोड़ देना है। देखिए कुछ ये इस तरह से ये रहा, ऐसे हमें बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस रो को भी मुकम्मल कर ली हूँ। देखिए बस अभी एक दो है, मैं बना लूँगी और फिर से एक नेक्स्ट कलर में, नेक्स्ट नहीं, ये वाइट वाला ही मैं यूज़ करूँगी। ये डबल शेड में बहुत ही मुझे पसंद आती है, मेरा ये डबल शेड फेवरेट है। मैं कोई भी दो कलर यूज़ करती हूँ मेरी किसी भी डिज़ाइन में, ज़्यादा कलर नहीं अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन आपकी चॉइस, आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी, और शेडिंग में दो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये भी रो मेरी कंप्लीट हो गई। देखिए ब्यूटीफुल सी लग रही ना, और इसी तरह से पहले की तरह हमें इसे काटना है सीज़र से, और इस धागे को ऊन को निकाल कर इसे टाइट करना है। ये हमारी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई। अब मैं वापस से फिर से वही वाइट वाला ऊन लूँगी, और जहाँ से हमने ऊन निकाला था वहीं से हमें ऊन इंसर्ट करना है। ये कुछ इस तरह से, और वाइट वाले धागे को लेना है। सॉरी फ्रेंड्स, वापस से चला गया था ऊपर मेरा हाथ। देखिए मैंने निकाल ली हो, देखिए, और इस तरह से टर्न करना है ना, इसी तरह से टर्न करके हमें वापस से ये सारे जो एक्सेस धागे हैं उन्हें इस तरह से उंगलियों में पकड़ लेना है, तो हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे बीच बीच में। ये इस तरह से अभी जो चेन दिख रही है ना, हर एक चेन के अपने हमने डालना है, और डबल क्रोशे से एक डिज़ाइन तैयार करनी है। सॉरी फ्रेंड्स, और ऊपर हाथ चला गया था मेरा, मैं बुनने में इतनी हो जाती हूँ ना बिज़ी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ऐसे चेन में डाला मैंने, और ये डबल क्रोशे हमारा एक बन चुका है। फिर नेक्स्ट में वापस से सिंपली सेकेंड चेन में ये इस तरह से, फिर नेक्स्ट सेकेंड चेन में
देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, ब्लैक सॉरी वाइट और ग्रीन। देखिए फ्रेंड्स आप भी बनाइए इसी तरह से इजी वे में और ब्यूटीफुल से डिज़ाइन बनकर रेडी होंगी इससे। देखिए फ्रेंड्स आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा और कोई मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रोचेट फन को और रेसिपीज़ एंड मोर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जा रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मैं फास्ट फास्ट बनाती हूँ ना, इसके लिए आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोग की भी इतनी स्पीड हो जाएगी कि समझ नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से है ना, ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना फ्रेंड्स। हम अपनी पसंद से कोई भी कलर यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन में इस तरह से। फिर मैं वाइट के बाद और ग्रीन लूँगी, फिर वाइट लूँगी और मुझे जो चीज़ बनाना है, देखिए इस तरह से मैंने एक पैटर्न बनाकर एक बना ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है और क्या ये सिर्फ डबल क्रोशे से मैंने इसे तैयार की हूँ, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना फ्रेंड्स। आप अपने छोटे बच्चों को भी आप अपने हाथ से बनाकर विंटर कैप, सॉक्स वगैरह, ग्लव्स हाथ के बनाकर पहना सकते हो। और इसे हमें कट करके और जो एक्सेस धागे हैं, देखिए फ्रेंड्स ये जो एक्सेस धागे हैं ना, मैं उसे इस तरह से काट दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप काट देना, कोई वो खुलने वाला नहीं है और आपकी जो मेहनत वो ख़राब नहीं होगी, बस आप इसे नॉर्मली कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसी तरह से आप ये डिज़ाइन इस्तेमाल कीजिए, बनाइए और जो आपकी मर्ज़ी है उसे उसमें आप इसे यूज़ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और आप और मुझसे मैं क्या बनाकर दिखाऊँ आपको, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स और लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।